आप अगर सोच रहे हो कि मैं बहुत पैसे के मालिक हूँ तो मुझे एक गेमिंग पीसी बनाना है, जैसे मेरे पास है नहीं, मैं सिर्फ आपको बता ही सकता हूँ, उतना पैसा तो मेरे पास ना है। सिर्फ एक पीसी बनाने के लिए 5-6 लाख रुपए, आए बाबा, एक पीसी बनाने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए। चलिए आज 5 लाख रुपए में एक पीसी बना के दिखाते हैं आपको कि 5 लाख रुपए के पीसी के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है और उसके अंदर आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर इस टाइम के अंदर इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट पीसी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि आप खरीद नहीं सकते, मैं खरीद नहीं सकता, लेकिन आप जान तो सकते हैं कि एक 5 लाख के पीसी के अंदर असल में होता क्या है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले एक पीसी बनाने के लिए हमें जरूरत होगी एक स्ट्रॉन्ग, एकदम पावरफुल सा एक प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसर के बारे में बात करूं, यहाँ पर आपको i9 जो है, अभी इंटेल के अंदर जा रहा हूं मैं, इंटेल का i9 प्रोसेसर आप ले सकते हैं। जो आप i9 का प्रोसेसर लेने वाले हैं, यहाँ पर मैं प्रोसेसर का पूरा डिटेल ही आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ प्रोसेसर का कीमत यहाँ पर आपको मिलने वाले 46,000, जिस रुपीस के अंदर एक अच्छा खासा लैपटॉप आ जाता है गेम खेलने के लिए बबुआ। अब तो हम खरीद लिए प्रोसेसर, अब प्रोसेसर को लगाएंगे यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर। अब चलो मदरबोर्ड खरीदने चलते। आप अगर इस मदरबोर्ड को खरीदना चाहते हो तो इस मदरबोर्ड का कीमत पड़ने वाला है यहाँ पर आपको 83,699 के अंदर। तो सोचो यार, 86,000 का सिर्फ मदरबोर्ड, इससे अच्छा तो हम 86,000 और प्रोसेसर मिला के एक बाइक खरीद सकते हैं। अब यार प्रोसेसर मदरबोर्ड तो खरीद लिया, अब खरीदना है हमें रैम। अब जो ये जो रैम देख रहे हो ना आप यहाँ पर, इस रैम का कीमत आपको दोनों का मिलेगा तकरीबन 10,000 के आसपास आने वाला है, 2 रैम 32 GB का। अगर आप इसके ऊपर भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, लेकिन एक मतलब सबसे बेस्ट पीसी बनाने के लिए 32 GB तो काफी है आपके लिए। अब इन सारे चीजों के अंदर पावर देने के लिए हमें चाहिए होगा एक पावर सप्लाई। एक पावर सप्लाई का कीमत तकरीबन 9 से 10 हजार रुपए के बीच में होता है। तो सोचो कि हो कितना गया है अभी। भाई एक कार खरीदने का पैसा जमा होने वाला है, अभी थोड़ा टाइम वेट करो और देखो एक पीसी बनाने के लिए कितना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। अब चलो, इनके अंदर तो हमें विंडोज भी डलवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए SSD। तो यहाँ पर हार्ड ड्राइव ना चलने वाला है और नॉर्मल SSD ना चले, क्योंकि ये तो स्लो हो जाता है, और हमें चाहिए M.2 वाला SSD। जी हाँ दोस्तों, M.2 वाला 1 TB वाला सैमसंग का आप अगर एक SSD लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा 2,799 रुपए सिर्फ SSD का, जिसके अंदर आपका स्टोरेज वगैरह होगा, जिसके अंदर आप अपना गेम डालेंगे। अभी आप अगर गेम खेलना चाहते हो तो आपको तो GPU का जरूरत होने वाला है। अब जो ये GPU देख रहे हो, इसके अंदर जो है आप वो सभी गेम खेल सकते हो, मतलब ऐसा कोई गेम नहीं है ना आप खेल ना सकते हो इसके अंदर। इस ग्राफिक्स कार्ड का नाम है ASUS ROG 4090 OC, मतलब ओवरक्लॉक एडिशन। इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, और इसका कीमत पता है कितना है? 2.5 लाख रुपए इसका कीमत है, 2,50,000 रुपए इस ग्राफिक कार्ड का कीमत है, जिसके थ्रू मैं KTM लेके घूम सकता हूँ, एक PC तो दूर की बात है। अब इन सारे चीजों को ठंडा रखने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम का जरूरत होगा। कूलिंग सिस्टम के लिए आप अगर जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो ये कूलिंग सिस्टम दिख रहा है ना, इसका प्राइस होने वाला है आपको 10,000 रुपए के आसपास। और इन सारे चीजों को मिला के आप अगर जिस कैबिनेट के अंदर रखने वाला हो, इतना तो खर्चा कर ही चुके हो, कैबिनेट के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा तकरीबन यहाँ पर 15,600 रुपए, तभी जो है आपका PC बनके तैयार हो गया। अब जो ये PC है ये पूरा रेडी है, इसको सिर्फ असेंबल करना बाकी है। अब असेंबल करने के लिए आप हमारे पास आओगे तो हम भी असेंबल कर देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको जो है आप ऑनलाइन खरीद के अपने घर में भी जाके असेंबल करवा सकते हो यूट्यूब का वीडियो देख के। अगर ज्यादा दिक्कत हो हमें फेसबुक पे मैसेज करो, हम आपको बता देंगे इस तरह से असेंबल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ये तो गया हमारा PC पूरा रेडी, ठीक है। अब इसको चलाने के लिए हमें चाहिए होगा एक मॉनिटर। मॉनिटर का कीमत तकरीबन 40,000 रुपए, कर्व डिस्प्ले वाला मॉनिटर, ठीक है ना। एक 40,000 रुपए के अंदर आपको यहाँ पर एक मॉनिटर मिलने वाला है, और सारे चीजों के यहाँ पर कीबोर्ड है, माउस है। इसको हम कम पैसा ही पकड़ लो, कीबोर्ड माउस का और क्या लेना था ना, समझो कि 4,000-5,000 रुपए कीबोर्ड माउस का, ठीक है, समझो। तो मॉनिटर कीबोर्ड माउस देके 45,000 रुपीज हम पकड़ लेते। तो आप बारी आती है कि कितने रुपए में ये PC बनके रेडी हो गया गेमिंग वाला। जी हाँ दोस्तों, अभी ये बनके रेडी हो गया है 5 लाख रुपए के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका PC 5 लाख के अंदर। आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो यार खरीद लो Amazon से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भात माता कीजिए।